हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज है रेसिपी डे। एक सिंपल सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जो है मिक्स वेजिटेबल दलिया रेसिपी। तो बिना किसी देरी के पहले रेसिपी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल से। मैंने यहाँ पर ली है मटर। मटर के साथ मैंने लिया है एक छोटा प्याज, एक छोटा आलू। इसके साथ मैंने लिया है गाजर। गाजर के साथ मैंने लिया है एक लहसुन एंड कुछ बीन्स। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब इनको तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरी सारी वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं। मैंने आलू को चॉप किया है अच्छे से। इसके अलावा मैंने प्याज को लहसुन के साथ बारीक काटा है। मैंने बीन्स को भी चॉप किया है। मटर को मैंने अच्छे से छील के धो लिया है। गाजर को भी चॉप किया है। प्लस मुझे घी की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच घी लिया है। इसके अलावा मुझे रिक्वायरमेंट होगी दलिया की, तो मैंने यहाँ पे दलिया लिया है जो कि ऑलरेडी रोस्टेड है। प्लस मुझे पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास पानी लिया है। अब सबसे पहले मैं पैन में डाल रही हूँ घी, एंड जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच जीरा। मेरा जीरा अच्छे से हो गया है। जब ये बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाए, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपने प्याज और लहसुन। इस प्याज लहसुन को आपको अच्छे से ब्राउन करना है। जब तक ये अच्छे से भुन जाए, गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, तब तक आप इसको चलाइए। ये देखिए, ये हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब मैं इसमें अपनी बची हुई वेजिटेबल्स डालूंगी। वेजिटेबल्स इस तरह से डालने से अच्छे से पक जाती हैं एंड टेस्ट अच्छा आता है। तो इनिशियली वेजिटेबल डालने से थोड़ी वो रोस्ट हो जाएंगी। प्लस अभी मुझे लग रहा है कि मेरे कुकर पे चिपक रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये चिपके ना। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि मेरी वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाएं। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। आधा चम्मच हल्दी। और थोड़ा सा हींग। हींग तो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, बच्चों को डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं तो शिवाय के लिए हर खाने में हींग प्रेफर करती हूँ। आप भी अपने बच्चे के खाने में हींग जरूर डालिए। अभी मेरी वेजिटेबल्स अच्छे से पक गई हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ एक चम्मच, आधा चम्मच नमक। जितना आपको अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग सही लगे उतना इसमें नमक डालिए एंड अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी अपना रोस्टेड दलिया। तो मैं यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच रोस्टेड दलिया डालूंगी। आपके बच्चे को कितनी क्वांटिटी में चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, अदरवाइज रोस्टेड दलिया में लम्प्स रह जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्प्स ना रहे एंड सारी जो वेजिटेबल्स हैं, दलिया है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
अब इसमें पानी डालिए, आपको कितनी थिकनेस का दलिया बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप पानी एडजस्ट करिए। तो शिवाय के लिए मैं थोड़ा पतला प्रेफर करती हूँ, तो मैंने जितना पानी लिया था वो सारा इसमें डाल दिया है। मैं हल्का सा थोड़ा नमक और डाल रही हूँ, मुझे लग रहा था कि शायद कम रह जाएगा, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसका कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ, इसमें मैं टोटल 3 सीटी लगवाऊंगी। 3 सीटी में से पहली सीटी होगी इसकी तेज आंच पर एंड बाद की दो होंगी मीडियम आंच पर। अब मेरी सीटी हो गई है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। आपको सीटी निकालनी नहीं है, ये खुद से पकेगा। तो अब सीटी निकल गई है, मेरा दलिया रेडी हो गया है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने मटर डाली थी एंड शिवाय अच्छे से च्यू नहीं करता है अभी, तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि मटर उसके मुँह में ना आए। एंड नाउ इट इज रेडी टू सर्व। इट्स डिलीशियस। तो ये तो थी सिंपल एंड क्विक रेसिपी, कैसे मैं बनाती हूँ शिवाय के लिए मिक्स वेजिटेबल दलिया। मैंने एंड शिवाय ने तो उसको बहुत इंजॉय किया, बहुत ही यम्मी रेसिपी है, बहुत इजीली बन जाती है। अगर आप अपने बच्चे के लिए ऐसा कुछ देख रहे हैं तो जरूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चे को 100% पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए एंड शिवाय को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।